में कमल का फूल अंधेरा में खोजा करते थे, आज वो क्यों नहीं सड़क पर है। करवा तेल 200 से ऊपर हो गया है, शतक लगा चुका है पेट्रोल और डीजल। आज लोगों को 2 जून की रोटी आफत हो गई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। बिहार सहित देश के कई राज्यों में महंगाई चरम पर है, जिससे लोग हलकान हो रहे हैं। तो वहीं खास तौर पर अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं, तो यहां पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। केंद्र सरकार लगातार लोगों के निशाने पर है और इसकी वानगी दिखी बिहार के मधेपुरा जिले में। अगर पूरी खबर आपको विस्तार से बताएं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार राजा के नेतृत्व में मधेपुरा के विभिन्न गलियों मोहल्लों में बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए लोगों को इसके खिलाफ न सिर्फ जागरूक किया गया, बल्कि सरकार के लिए घर घर जाकर स्टिकर भी चिपकाया जा रहा है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि हमारी मोदी सरकार हमें लूट रही है तेल और गैस के दाम बढ़ाकर। जरा सुनिए कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मधेपुरा के विभिन्न मोहल्ला में जाकर के पेट्रोल डीजल का जो यह दाम, रसोई गैस का, करवा तेल का जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है, उसके विरोध में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाने का काम कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो लोग जो ईवीएम में कमल का फूल अंधेरा में खोजा करते थे, आज वो क्यों नहीं सड़क पर हैं। वो आज क्यों नहीं सड़क पर है कि उनका करवा तेल 200 से ऊपर हो गया है, शतक लगा चुका है पेट्रोल और डीजल। इसलिए हम वैसे लोगों को भी कहना चाहते हैं, वैसे अंधभक्तों को भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग ईवीएम में कमल का फूल खोज रहे थे चुनाव में, उसी प्रकार से आज आप लोगों को सरकार को खोजिए कि सरकार आपका कहाँ है। इस कोरोना काल में जहाँ लोग का नौकरी चली गई, उस समय पर बेतहाशा मूल्य की वृद्धि, आज लोगों को 2 जून की रोटी आफत हो गई है। इस प्रकार अगर चलता रहेगा तो कोरोना से लोग बाद में मरेंगे, पहले भूख से लोग मरना शुरू हो जाएंगे और मरना शुरू हो भी चुका है। और यही लोग, यही स्मृति ईरानी जी, जब 400 रुपया का रुपया गैस हुआ करता था तो यह कपार पे लेकर के एकदम माथा पे गैस सिलेंडर लेकर के पूरा दिल्ली घुमा करते थे। आज यह कहाँ योगा कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, कहीं रोड पे दिख नहीं रहे। यही मोदी जी अच्छे दिन कहने वाले कहा करते थे कि महंगाई बढ़ गई, और आज जब इतना बेतहाशा मूल्य की वृद्धि हो गई है तो यह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। यह महंगाई जो है दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। देश में महंगाई का मुख्य कारण जो है यह पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो यह बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हर तबका परेशान है। व्यापारी वर्ग अलग परेशान है, छात्र और युवा अलग परेशान है महंगाई से। और इसमें प्राइस हाइक जो है, मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल के कारण हो रहा है। आज गृहिणी जो है गैस का दाम 950 रुपया सिलेंडर हो गया है, और यह जो तेल का दाम जो है यह 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल हो गया है, 92-93 रुपया जो है यह डीजल का दाम हो गया है। और करवा तेल जो है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उसका 200 रुपया से ऊपर लीटर हो गया, जिस कारण से हर वर्ग तबाह है। घर से लेकर करके वह ऑफिस तक तबाह है। या जो कर्मी जो है, हम लोग जो कुछ का कर्मी है, उनको वो भी इस महंगाई से तबाह है, क्योंकि उनको भी उतना ही वेतन मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। इसीलिए हम लोग आज जो है इस मोदी सरकार का जो है यह स्टिकर साट करके महंगाई के विरोध में आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सुना आपने, नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ, काफी नाराजगी है लगातार बिहार के लोग। आपको सबसे बड़ी जानकारी तो ये दे दें कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं, लगभग 12 या 13 से 14 जिले हो सकते हैं, जहां पर पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है और राजधानी पटना में शतक लगने वाला है। अब ऐसे में मधेपुरा में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा दिख रहा है। और सबसे बड़ी जो मुहिम चलाई जा रही है वो सरकार के खिलाफ ये है कि घर घर जाकर मोटरसाइकिल के आगे वाले जो आप देख रहे होंगे हेडलाइट के आगे जो स्पेस होता है, उस पर स्टिकर चिपकाया जा रहा है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि हमारी सरकार हमें तेल के दाम बढ़ाकर ठग रही है। अब ऐसे में लगातार जो है सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार सियासी हमले हो रहे हैं, लगातार सड़क पर प्रदर्शन का दौर भी जारी है, लेकिन लगातार इनके दामों में वृद्धि भी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।